नुकसान को पाकिस्तान ने तो छुपा लिया, लेकिन विदेशी मीडिया ने खोल दी पोल। भारत के बालकोटा में हवाई हमले को लेकर विफल बताने वाले पाकिस्तान की पोल विदेशी अखबारों ने पूरी तरह से खोल कर रख दी है। उन्होंने दिखाया कि वह बहुत बड़े दायरे में भारतीय विमानों की बमबारी से नुकसान हुआ है। हमले में एक से अधिक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि भी विदेशी अखबारों ने की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा था कि वैसे तो भारतीय हमले की संभावना को देखते हुए बालकोटा इलाके से पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के परीक्षा शिविर को बंद कर उन्हें वहां से हटा दिया था, लेकिन भारतीय मिराज विमान हमलों से उनका वहां का ढांचा तहस नहस हो गया है। लंदन के रक्षा उद्योग पर नजर रखने वाले जेंस इन्फॉर्मेशन ग्रुप ने खुफिया सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान ने परीक्षण शिविर को साफ कर दिया था, लेकिन चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई करनी ही थी, इसलिए उन्होंने बमबारी का निर्णय लिया। बमबारी का असर इलाकों में साफ नजर आ रहा है। अमेरिका के ही वाशिंगटन पोस्ट ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों और निवासियों के हवाले से लिखा है कि विमान भारतीय विमानों का हमला बालकोटा शहर के बाहरी इलाकों में हुआ है, लेकिन हताहत इसमें के कोई निशान नहीं दिखे हैं। द टेलीग्राफ ने रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने मंगलवार तड़के चार जोरदार धमाके सुने, लेकिन उससे केवल एक व्यक्ति छड़े लगने से घायल हुआ था। बमबारी से इलाके में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं और एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने चार बमों से चार गड्ढे होने की पुष्टि भी की थी। द गार्जियन ने भी राइटर के हवाले से कहा है कि चार से पांच धमाके सुनने गए, घरों को नुकसान पहुंचा और बड़े पेड़ गिर गए। गल्फ न्यूज ने दावा किया कि भारतीय विमान का निशाना चूक गया, बम उस मदरसे से 1 किलोमीटर दूर गया जिसमें आतंकवादी का अड्डा था, एक व्यक्ति हमले में मारा गया, देवदार के पेड़ बड़ी संख्या में गिर गए हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय विमानों ने निशाना चूक गया है कि मोदी सरकार की गलती है? आप अपना कमेंट जरूर लिख के बताएं।